फ्रेंड्स, वेलकम टू द पार्ट टू वीडियो, जिसमें आप लोग देखोगे पूरा फिश का कलेक्शन ऑफ तालाहाट मार्केट, जिसको गैलप स्ट्रीट भी कहते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा फिश का कलेक्शन दिखाती हूँ। कम सो फ्रेंड्स, आई नो कि यू ऑल आर कन्फ्यूज कि मैंने अपने इस वाले वीडियो को पार्ट टू के नाम से क्यों आप लोगों को बताया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इससे पहले मैंने पार्ट वन का जो वीडियो है ना बनाकर अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है गैलप स्ट्रीट पेट मार्केट के नाम से, जिसमें आप लोग देख सकते हो पपीज़ का पूरा कलेक्शन, साथ ही आप लोग बर्ड्स एंड रैबिट्स वगैरह सारा चीज़ देख सकते हो। उसमें टॉर्टोइज़ भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आप लोग इस वाले वीडियो में ना सिर्फ और सिर्फ फ़िश का कलेक्शन देख सकते हो, और ये जो सारे आप लोग फ़िश देख रहे हो ना, इसका नाम है बेटा फिश, और ये एक अकेला ही अपने खुद रहता है और ये साथ में नहीं रहता है, ठीक है। इसको एक अकेला ही रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लोग मेल एंड फीमेल रखोगे तो ही रहेगा, अगर आप लोग मेल मेल को साथ में रखोगे तो इट विल नॉट सर्वाइव। तो इसलिए देखिए आप लोग, इसको सबको अलग से रखा गया, और ये एक फ़िश का जो कीमत है ना वो 250 रुपये बताया जा रहा है। एंड बार्गेनिंग करना बेकार है, यहाँ पर बार्गेनिंग होगा ही नहीं ये वाले फ़िश के लिए। वैसे आपको बहुत सारे फ़िश जो है ना ऐसे भी मिल जाएंगे, जिनको बहुत सारे जो हॉकर्स हैं तो होते हैं ना, लेकर ऐसे बैठे रहते हैं, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ पीस, आपको ऐसे बहुत सारे फिश मिल जाएंगे वहां गैलप स्ट्रीट में। आप लोग देख लो। माई लवली व्यूअर्स, एज यू ऑल कैन सी दैट आई एम बैक वंस अगेन इन द सेक्शन ऑफ द बीटा फिश, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए बीटा फिश खरीदना है, तो मैं बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है बार्गेनिंग तो करना ही बेकार है, ये लोग 250 रुपीज़ से हट ही नहीं रहे हैं। मतलब अगर आपको एक पीस लेना है ना तो 250 रुपीज़ पे करना है, और मैंने अपने घर के लिए 4 बीटा फिश खरीदा है, जो क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ब्यूटीफुल और खूबसूरत होता है। आप लोग देख सकते हो यार, ये जो है ना हमारे गैलप स्ट्रीट पेट मार्केट का ना रौनक है फिश बाजार का, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कितने सारे एक्वेरियम रखे हुए हैं अलग अलग शेप्स एंड साइज के। स्टार्टिंग प्राइस जो है ना वो 40 रुपीज़ से शुरू हो जाता है, एंड 2000 तक का एक्वेरियम जो है ना गैलप स्ट्रीट में आपको आराम से मिल जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ फ़िश लेते हो तो बस फ़िश ही लेना है, बल्कि फ़िश से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस वाले मार्केट में मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को सामने से ले जाकर दिखाती हूँ इस वाले स्टॉल में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल पूरा फ़िश का कलेक्शन। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए गप्पी फ़िश फ्रेंड्स, एकदम जूम करके दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है यार। मुझे गैलप स्ट्रीट आना बहुत ही ज़्यादा पसंद है भाई। हमारे कोलकाता में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरा मतलब है कि अगर आप लोगों को वाइल्ड एनिमल्स देखना है तो जूलॉजिकल गार्डन में मिल जाएंगे देखने, अगर आप लोगों को पेट एनिमल देखना है तो हमारे कोलकाता में पेट मार्केट भी है जिसका नाम गैलप स्ट्रीट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। वैसे मैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी बात बता दूँ कि हमारे कोलकाता का जो अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन है ना, उसके ऑपोजिट में एक्वेरियम वाला जगह भी है, तो आप लोग अगर नहीं गए हो तो वहाँ पर भी जाके एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिश देखने को मिल जाएंगे। नाउ फ्रेंड्स, आई नो कि आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि ये वाला मार्केट का आखिर एड्रेस कहाँ है, और प्लस ये वाला मार्केट कितने बजे से कितने बजे तक लगता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला जो मार्केट का एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। साथ में मैं अपने पिछले वाले व्लॉग का, आई मीन टू से पार्ट वन गैलप स्ट्रीट का, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा पपीज़ का कलेक्शन दिखाया है, अगर आप लोग वो वाला भी वीडियो देखना चाहोगे तो मैं अपने उस वाले वीडियो का भी जो लिंक है ना अपने इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। साथ में मैं आप लोगों को टाइमिंग बता देती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप लोग अंदीना आओगे ना तो ये वाला मार्केट आप लोगों को कहीं भी दिखने वाला नहीं है, क्योंकि ये वाला जो मार्केट है ना स्पेशली संडे को सुबह 5 बजे से लेकर दिन के 3:30-4 बजे तक की ही लगा रहेगा। और अगर आप लोग आते हो तो टाइम को जो है ना खासम खास ध्यान देकर आइएगा। और अहमद को देखिए कितना ज़्यादा खुश, आखिर इन्होंने बेटा फिश खरीद ही लिया है। हम लोग 4 पीस बेटा फिश खरीद कर आज घर लेकर जाने वाले हैं।
फ्रेंड्स, फिश का ना आपको अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गोरामी, गोल्डन फिश, टाइगर फिश, कैट फिश, एंजल, सिल्वर शार्क एक्सेट्रा, बहुत सारे फिश फ्रेंड्स, कई तो ऐसे भी आपको नजर आ जाएंगे जिनका आपको नाम तक नहीं मालूम होगा, लेकिन आप उनको घर लेकर जाना चाहोगे क्योंकि वो लोग जो है ना नायाब फिश होंगे, उनको आप लोग पहली बार देखे होंगे एंड यू ऑल विल गेट कन्फ्यूज कि किसको ले और किसको छोड़े, यहाँ पे इतना ज्यादा ऑप्शन होता है। तो फ्रेंड्स, इन द वेरी बिगनिंग ऑफ दिस वीडियो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मुझे गैल्फ स्ट्रीट आना बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे आपको सस्ते और अच्छे बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज के फ़िश मिल जाएंगे। मेरा यकीन जानिए फ्रेंड्स, अगर आप कोलकाता के कोई दूसरे मार्केट से अगर फ़िश या कोई भी पेट की ख़रीदारी करने जाते हो ना, तो इतना ज़्यादा सस्ता, इतना ज़्यादा अच्छा आपको वहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है जितना कि आपको गैल्फ स्ट्रीट में मिल जाएगा। वैसे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ से बहुत सारे फ़िश खरीद कर लेकर जाती हूँ अपने एक्वेरियम के लिए, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मुझे एक्वेरियम में फ़िश रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है अपने घर में। और भाई, ये बात को ना बहुत ज़्यादा ध्यान में रखकर ख़रीदारी करना पड़ता है कि कौन सा फ़िश जो है ना वो कौन से फ़िश के साथ रहता है, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स ऐसा हुआ है कि अनजाने में हम लोग ऐसे फ़िश को भी ख़रीद कर लेकर गए हैं जो आपस में बिल्कुल भी एडजस्टेबल नहीं है, और एक्वेरियम में जैसे ही ले जाकर हम लोग डालते हैं तब तक तो ठीक रहता है जब तक कि हम लोग नज़र रखते हैं, लेकिन जैसे ही नज़र हटाते हैं जो नया फ़िश हम लोग लेकर जाते हैं वो जो पुराने फ़िश होते हैं ना उसको मार कर पूरा मतलब यू नो ख़त्म करने पर हो जाते हैं, और फिर हम लोगों को उसको मजबूरन अलग से निकाल कर रखना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ फ्रेंड्स कि हम लोग अलग अलग सारे मतलब यू नो घर में एक्वेरियम का पूरा सेक्शन ही खोल लें, तो इस वजह से मैं सारे फिश ऐसे लेकर जाती हूँ जो आपस में एडजस्टेबल हो और सारे एक ही एक्वेरियम में मिलजुल कर रह सके। अभी एकदम हाल की ही बात बता रही हूँ फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते मैं आई थी यहाँ पे गैल्फ स्ट्रीट और मुझे बेटा फिश काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और मैंने एक बेटा फिश अपने लिए ख़रीद लिया जिसका कीमत मैंने 250 रुपीज़ पे किया, और हुआ ये कि जैसे ही मैंने अपने एक्वेरियम में ले जाकर डाला ना, तो बेटा फिश इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी पूरे एक्वेरियम में कि वही एक्वेरियम की जान लग रही थी, और थोड़ी देर बाद ना मेरी जो बेटा फिश दिखना ही गायब हो गई क्योंकि सारे फिश ना मिलकर बेटा फिश पर हमला बोल चुके थे और बेटा फिश का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, और इत्तफाक से मेरी नज़र उस पर पड़ गई, अल्लाह ने उसकी जान बचाई और उसको मैंने अलग से ग्लास में निकाल कर रखा, और इस बार मैंने सोच लिया भाई कि मुझे और भी सारे बेटा फिश खरीदने हैं, तो सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ बेटा फिश मैंने बहुत सारे अपने घर में छोटे छोटे ग्लास में बेटा फिश पाल रखे हैं, क्योंकि वो होती ही इतनी खूबसूरत है यार कि इसको कोई भी पालना चाहेगा। इट इज़ एन एक्सपेंसिव फिश, इसका नस्ल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे फिश ही मिलेगा बल्कि मछली से रिलेटेड सारा चीज़ मिलेगा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक्वेरियम वगैरह सभी चीज़ देखिए, और हम यहाँ परचेज कर रहे हैं। एक सजेशन देना ज़रूर चाहूँगी फ्रेंड्स आप लोगों को कि अगर आप लोग यहाँ पे आराम से आकर मार्केटिंग करना चाहते हो, मेरा मतलब अगर धक्का धुक्की नहीं खाना चाहते हो, तो जितना जल्दी हो सके ना संडे को सवेरे सवेरे अपने घर से निकल जाइए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता है ना यह वाला मार्केट में इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि चलना तक मुहाल हो जाता है। एक ये वाला और दूसरा वो वाइट वाला जो इसके साथ का है ना वो भी दे दो, ये वाला वाइट, एक दूसरा इसका वाइट है ना वो वाला नीचे दे, वो तो घूम डालने जरूरत नहीं है ना। यकीन जानिए यहाँ गैल्फ स्ट्रीट में फ़िश सस्ता मिलता है, लेकिन पैसा तो आपको यहाँ भी पे करना पड़ता है। आप लोगों को मैंने बताया है कि एक बेटा फ़िश का कीमत यहाँ पे 250 रुपीज़ है, और अगर आप कहीं बाहर से लोगे ना तो हो सकता है कि आपको 400-500 रुपीज़ करके भी पर पीस बेटा मिले। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा जिसमें मैंने आप लोगों को गैल्फ स्ट्रीट का पूरा फ़िश कलेक्शन दिखा दिया है।
वैसे मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर पूरा प्लांट वाला सेक्शन भी अपलोड करने वाली हूँ, जबकि मैं इसी के साथ पूरा मर्ज करके आप लोगों को वीडियो दिखाती, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है एंड यू ऑल विल गेट बोर्ड, तो इसलिए मैं अलग अलग सेक्शन में इस वाले वीडियो को डिवाइड कर दूंगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में छोटा सा बेल आइकन होता है ना फ्रेंड्स, उसको ज़रूर से ज़रूर हिट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ ना तो आप लोग तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर से पहुँच जाए। तो भाई फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दे, बहुत जल्द हाजिर होंगी एक और अच्छे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, रमज़ान इज़ गोइंग ऑन, तो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो आप सभी को मेरे तरफ से। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।